हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने के मामले में राज्य के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री के ट्रांसफर आदेशों को वापस लेने की अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अपने तबादले के आदेश को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कहा है कि इन दोनों अधिकारियों को अपने पदों से स्थानांतरित किया जाए। हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप कुमार रत्न ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला सरकार पर छोड़ा है। सरकार मामले में एसआईटी गठित करने पर विचार कर सकती है। एसआईटी का गठन आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में होगा, जिसके बाद 28 फरवरी को सरकार कोर्ट में अगली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। निशांत शर्मा जो पालमपुर निवासी हैं, उनके मामले में डीजीपी संजय कुंडू तथा एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने एक एप्लीकेशन दायर की थी, जो तथा उसमें ये रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल कोर्ट से कि 26/12/2023 के आदेश को वापिस लिया जाए तथा वो किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने पदों पर बना रहने दिया जाए। आज उस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है और प्रदेश सरकार को पुराने आदेश को रिट्रेट करते हुए कहा है कि इन्हें इनके पदों से स्थानांतरित कर दिया जाए। ये भी आपके ध्यान में है कि संजय कुंडू जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष लगा दिया गया था तथा बाकी कार्यवाही भी सरकार कर रही थी। आज के मामले में उच्च न्यायालय ने इलेबोरेटेड रीजंस देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया उन इस मामले में कौन सी ऐसी कार्यवाही थी जिससे ये प्रतीत होता है कि अगर डीजीपी कुंडू अपने पद पर बने रहेंगे तो फेयर जांच होने की संभावना नहीं है। तो वो तथ्य न्यायालय ने आज अपने 34 पेज के आदेश में रखे हैं। और एसपी शालिनी अग्निहोत्री के बारे में न्यायालय ने कहा है कि उन्हें जैसे ही कंप्लेंट मिली थी, बजाय कि उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते, उन्हें तुरंत एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच अपने आप या किसी अपने सबॉर्डिनेट अधिकारी द्वारा करवाई जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने तुरंत आदेश नहीं दिए और स्वयं एक इंक्वायरी करने का फैसला किया। न्यायालय के अनुसार प्रथम दृष्टया ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवहेलना है ललिता कुमारी केस में, तथा उस मामले में के अनुसार प्रथम दृष्टया एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी वो चुस्ती नहीं दिखाई जांच में, इस कारण वो उस पद से उनका स्थानांतरित होना भी जायज है जो जांच के हित में। सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू जी गए थे, उन्हें न्यायालय ने कहा कि आप द्वारा वापस हाईकोर्ट जाएं, क्योंकि उनकी वहां याचिका थी कि मैं इस मामले में पार्टी नहीं हूं, मैंने किसी प्रकार से कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया, बल्कि मैं एक कंप्लेनेंट हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ एक मामला बना है, मेरे खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा बना है, निशांत शर्मा ने किया है ईमेल के द्वारा, तो मेरे मामले की जाँच हो रही है। तो इस कारण वो उच्चतम न्यायालय गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ना एंटरटेन करते हुए वापस उन्हें कहा था कि वो हाई कोर्ट को अप्रोच करें, रिकॉल एप्लीकेशन डालें अगर पिछला ऑर्डर हाई कोर्ट मॉडिफाई करने के लिए हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाए, और वही एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होकर फैसला। हाँ, प्रदेश सरकार की तरफ से न्यायालय को बताया गया था कि अगर उच्च न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो दो आईओ अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार इस मामले में आईजी लेवल अधिकारी का एक एसआईटी गठित कर सकती है। तो आज न्यायालय ने कहा कि ये प्रदेश सरकार अपने आप इस पर फैसला ले कि एसआईटी गठित करनी है या नहीं करनी है, हम उसे बाध्य नहीं करते हैं। जी, निशांत मामले की जाँच के लिए एक और महत्वपूर्ण मामला था, क्योंकि निशांत शर्मा ने भी और सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू जी ने भी कहा था कि इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए, परंतु प्रदेश सरकार ने ये दलील दी थी कि ये मामला उन रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में नहीं बनता है जिसमें सीबीआई को दिया जाना चाहिए। तो हमने ये कहा था कि इस मामले की जांच प्रदेश सरकार, प्रदेश की एजेंसियां करने में सक्षम है
और इस मामले की जांच करके फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।